मीनल एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। शूटिंग फिल्म झूठ के लिए नागपुर में स्थापित है अर्धनग्नकर युवक को भीड़ संग आप नेता ने मार मार किया अधमरा, पुलिस देखती रही तमाशा। जानिए क्यों मनाते हैं प्रदूषण नियंत्रण दिवस, क्या है नियंत्रण के उपाय। अब खबरें विस्तार से। नागपुर में अमिताभ बच्चन जल्द ही नागपुर आएंगे और बेहद प्रचारित झूठ फिल्म के लिए शूटिंग शुरू करेंगे। प्रोफेसर विजय बालसे ने कहा कि झूठ फिल्म से सेट की स्थापना का नाम काम अंतिम चरण में है। अनिवार्य रूप से प्रोफेसर विजय बालसे की कहानी फिल्म झूठ की साजिश पर आधारित है। नई दिल्ली किराड़ी विधानसभा से दिल दहला देने वाला पिटाई का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि सौरभ झा और कुछ स्थानीय लोग एक युवक को जमकर पीटते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि पुलिस भी मौके पर मौजूद है, लेकिन युवक को बचाने की कोशिश नहीं कर रही। रायपुर आज राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस है। भारत में हर साल 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य लोगों को प्रदूषण नियंत्रण के लिए जागरूक करना है। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।